दादाजी को लगी थी बड़ी याद आपकी, मेरे को बोल रहे थे दादी को चुप कर, ये है ढोंगी दादा, ये नहीं है अच्छा बंदा। तो इसके एक दोस्त ने एक बार बोला एक लड़की को प्रपोज किया बोला, और उस लड़की ने क्या किया फिर? जूते खोल के। ऐसी क्या चीज है जिसे हम मुंह से खा नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, पर जिसने एक बार खा लिया ना वो दोबारा उसको खाना नहीं चाह सकता। शरारतन थी मैं नंबर वन, भगवान की पगड़ तुम नंबर वन शरारती थी। कैसे भाई तो तैयारी सुधरी ना बोला मेरे को नहीं कुछ भी बोलता था बोला कोई, मैं थी लाडली में करती थी बहुत शरारत, अगर मेरे को चार घसे कोई मारता ना उस टाइम तब सुधर रहा था। सो हे गाइस, दिस इज संजय चौहान, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे दादा जो है हमारे साथ रहने आ चुके हैं, अब से वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो उसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट दादी, वो इस ब्लॉग में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि मैं किस समय उठ रहा हूँ, बाहर पूरे एरिया में मतलब धूप लग चुकी है, मेरे परिवार में मैं अकेला हूँ जो अब जाके उठ रहा हूँ, 11 बज चुके हैं सुबह के। तो चलिए गाइस उठते हैं अब। हाँ जी गुड मॉर्निंग, ये क्या किया आपने? ये क्यों पहना हुआ था आपने इस तरह गोल करके? बाकी कहाँ है? आज नहीं आपने बोला ही मेरे को जल्दी उठा, तू बड़ा भारी। स्वच्छ भारत अभियान चल पड़ा है, सारे में सफाई हो रही है। हाँ जी दादाजी, ऐसा ना झूठा नहीं बोलू, तुमने झूठा नहीं बोलो, मैंने वो इंसान नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा कि जो फटा पुराना कपड़ा है ना उसको सहना चाहिए, जो रुष्ट हो गया ना आदमी उसको मनाना चाहिए, अगर उसको ना मनाए और ना उसको सिलाई करे टूटे कपड़े को वो इंसान नहीं होता है, आदमी होता है। क्या बात की दादाजी ने, बहुत ही तगड़ी धूप लगी हुई है और दादाजी की भी पिछले कल की उतर गई है शायद। अब यहाँ गर्मी आ रही है थोड़ी थोड़ी गाइस, अब ऐसा फील हो रहा है मेरे को। सुई रखता नहीं है, देख देख इधर रखता है मैं, जो कोई फटा कपड़ा उसको मैं सिलाता हूँ, और जो कोई रुष्ट और तो रुष्ट मर्द हो उसको मनाता हूँ। मेरे को तो आज तक मनाया नहीं है आपने, जब मैं नाराज होता हूँ क्यों नहीं होता हूँ, होता हूँ मैं। अरे धूप लगी है बड़ी तगड़ी है, तगड़ी है ना, मेरे को कपड़े छोटे को नहीं बनी। दादी जी कहाँ हैं? दादी जी रुष्ट हो गए, चले गए। रुष्ट हो गई है उनको, आप तो बोल रहे थे जो रुष्ट हो जाता उनको मना लेते हैं आप। मैं जाऊंगा ना मनाने, तब जाके होगी ना बात। अच्छा कब जाना आपने मनाने? मैं जाऊंगा मैं, तब जाके बात होगी, अगर नहीं जाऊंगा तो फिर रह जाएगी उठे ही। वो कब जाना आपने मनाने? तितरी में ना वो नहीं है, छोटे नीचे गए वो। दादी को फोन करो, फोन करूँ? नमस्ते दादी जी, बुंतर में हो? अरे मैं आ गया तित्री, मैंने देखा यहाँ नहीं है कोई, मैंने सोचा आपके दादाजी बोल रहे थे नाराज हो गई है आप। न्यूली में हूँ ना मैं, इधर आना आप जब आओगे। ठीक है अब जब यहाँ आएंगे तब बना लेना आप। क्या होता है बूढ़े का मनाना? थप्पड़ मार के हो गया, दो थप्पड़ मार के मनाते हैं आप। यहाँ देखो परे लगी, इनको भी हंसी आपकी बातें सुन। चलो गाइस अंदर चलते हैं, दादी जी भी आएंगे आज यहीं। मॉम डू यू नीड एनी हेल्प? मैं कर लूंगी खुद ही। गाइज अभी मेरे को इसने बताई अपने स्कूल की एक स्टोरी कि ये लोग लड़कियों से दोस्ती क्यों नहीं करते हैं बोला। तो इसके एक दोस्त ने एक बार बोला एक लड़की को प्रपोज किया बोला, और उस लड़की ने क्या किया फिर? जूते खोल के। भूख नहीं है, सुबह से खाना नहीं खाया, भूख नहीं है। यहाँ देख शरीर कितना पतला हो गया तेरा, संजू भाई की तरह से मत बनना है कि नहीं बनना है ना। चल किचन में जा, दादा भी खा रहे हैं। गाइज मेरे को थोड़ा एडिटिंग का काम रह गया ना, वो करना है मैंने। हाँ खाऊंगा थोड़ी देर में। ऐश की जिंदगी जीता है गुनू, है ना गुनू? मजे लगे तेरे क्यों? पता नहीं दोस्तों कहाँ कहाँ लड़के आता है। यहाँ देखो यहाँ पे लगा दी है इसने अपनी बदन, किसी कुत्ते के साथ लड़ रहा था और लगा दी इसने खुद की। नमूना है गाइज ये, नमूना कुत्ता कम गधा ज्यादा है। भाऊ एक कुर्सी लेके आ, यहाँ बैठते हैं।
भाई ये मेरे ही साथ घूम रहा है इधर उधर, मैं नहाने गया इसने पूरा वेट किया मेरा वॉशरूम के बाहर जब तक मैं नहा के बाहर नहीं आया। ये जो मशीन लगी है ना परे, ये जो नदी के आसपास जो पत्थर है ना, इनको उठा के फेंकेगी ये साइड साइड में किनारों में ताकि नदी साफ हो जाए, समझा। ऐसी क्या चीज है जिसे हम मुंह से खा नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, पर जिसने एक बार खा लिया ना वो दोबारा उसको खाना नहीं चाह सकता। जिसे हम खा नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर जिसने खा लिया फिर से खाना नहीं चाहेगा, धोखा। तेरा बड़ा भाई हूँ मैं यार, छोटे था आसानी, बस थोड़ा सोचने की जरूरत थी। कहाँ सुना तूने? रील्स में सुना इसने और मेरे से पूछ रहा है। देखो तू मुंह से खा नहीं सकता है, आंखों से देख नहीं सकता, पर अगर तूने एक बार खा लिया ना उसके बाद तू खाना नहीं चाहेगा। मुंह से खा नहीं सकता है, तू सोच ना, मैं आता हूँ मम्मी जी से मिलके। स्पाइकर पर जाती। ठीक है ठीक है, आता हूँ बाद में। बड़ी जल्दी आ गया तू, तूने सोचने का मौका भी नहीं दिया। तूने सोचा ही नहीं अभी तक, धोखा। मेरे से पता किसने पूछा? किसने पूछा? आदेश रे। मेरे को पता किसने बताया? इसने। इसने बताया तेरे को? ओए इतना भला तू रील्स में देख रहा है ना ये, फिर लगा मेरे से पूछने। मैंने बताया पर बिना चीटिंग किए भाई इसको। मैंने बिना चीटिंग की थी। तेरे को बताया ना इसने, तब बताया तुम्हें। फाइनली दादी जी आ गए गाइस। नमस्ते दादी जी, कैसे हैं आप? पानी ला वाला। देखो भाई 80 साल का प्यार। अरे 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 दादी जी के पास जा रहे हैं। बिजू के पेपर लगे यारो। दादाजी को लगी थी बड़ी याद आपकी, मेरे को बोल रहे थे दादी। चुप कर रे है ढोंगी दादा। नहीं है अच्छा बंदा। इतना सा क्या बोल दिया भाई, ये लगे लड़ रही हम। पकड़े इसको, भाग जाएगा ये। ए भाग रहा भाग रहा देखा। जा खाना खाओ, चलो आप भी चलो। राम भगवान परमात्मा, मेरे को पड़ गई है आपकी तरह, तब बोलता हूँ मैं ये। सही वो ठीक है ना, धार्मिक बात करनी चाहिए। पूछा था अपने आप अंदर से। बैठो छोटी दादी ने मिठाई लाई तेरे लिए, बैठ। होली की छुट्टियां थी ना मेरे को, तब आ गया मैं। दोस्तों ये है शादी का कार्ड, एक हिमाचली शादी का कार्ड है, और ये शादी होने वाली है पार्वती वैली साइड दादाजी के नाम पे। यहाँ देखो मेरी दादी का नया सूट दोस्तों। इस शादी के लिए लिया होना आपने, है ना? बढ़िया बढ़िया। सिलाने को है अभी? अब तो दादी जी एकदम 40 साल यंग लगेंगी सूट। दादाजी सोच रहे थे भी इनके लिए। आपने ये पहनना लड़कियों का है? मैं लाऊंगा आपके लिए। आ टेंशन क्यों ले रहे, आपका पोता है ना, टेंशन मत लो। बोलो ये टूटी हुई ना बार दूसरा पोचा सारे ना लाई दिन सारे एरी बोलो दूसरा पहली बार एरू बोल दूसरा घर बोलू गए पिछोला सोसी दी। दादी जी गए हुए थे अभी अपने माई के साइड ना, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि रिश्तेदार मिले इनको अपने, और वो बोल रहे थे कि आपके पोते का ब्लॉग देखा हमने, उसमें देखा दादी जी को उन्होंने। वो बोल रहे दादी बहुत अच्छा है, बोलो बहुत अच्छा। यहाँ भी रहता है शाम तक धूप, अब देखो चलिए गाइस अब हम थोड़ी देर मेरे रूम चलते हैं, वहीं बैठेंगे थोड़ी देर। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है ना कि जो मेरे दादा दादी है ना, इनके इकलौते बेटे नहीं है मेरे पापा, चाचू है ताऊ है। तो जैसे हम बोलते हैं ना दादा दादी को कि हमारे पास ही रहो, वैसे ही बोलते हैं चाचू भी ताऊ भी, वो भी चाहते हैं कि ये वहीं रहें। तो ये क्या करते हैं ना, कभी ये कुछ टाइम हमारे साथ रहते हैं, कुछ टाइम चाचू के साथ रहेंगे, कुछ टाइम ताऊ के साथ रहेंगे, तो ऐसे करके हर जगह जाते रहते हैं ये। और मेरी जो दादी है उनको गाँव की लाइफ ही ज्यादा अच्छी लगती है। अब हमारा ऐसा है कि जब हम पैदा हुए थे ना, तो हमारी स्कूलिंग और हमारी स्टडीज के लिए यहाँ पे माइग्रेट हुए मेरे पापा मम्मी, और
यहाँ पे घर बनाए, यहीं रहने लग गए, क्योंकि गांव में कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज तो दूर की बात है, तो हमारी स्टडीज के लिए हम यहीं रह रहे हैं। तो मतलब दादा दादी यहाँ आते रहते हैं और हमेशा ऐसा बोलते हैं कि अब हम यहीं रहेंगे, फिर ये कुछ टाइम चाचू के पास चले जाएंगे, फिर वहाँ भी ऐसे बोलते हैं कि हम यहीं रहेंगे। मतलब दादा दादी हर जगह ही खुश रहते हैं, हर बेटे के पास जाते हैं, तो ऐसे करके रहते हैं। मतलब तो ऐसा सिस्टम चलता है। मेरे को तो इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी कि अगर ये परमानेंटली हमारे साथ ही रहने लग जाएं, पर ऐसा है कि जितने भी हम हैं ना, चाचा ताऊ दादा दादी, हम सब ही मतलब खुश रहते हैं आपस में, हमारे रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे हैं, ये एक अच्छी चीज है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि पूरा सिनेरियो कैसा है। 2 hours later गाइस, बार रात हो गई है और मेरी ना आंख लग गई थी और मैं सो गया था। थोड़ी देर पहले ही मम्मी की कॉल आई, फिर मैंने कपड़े चेंज किए अपने, और मम्मी ने बताया कि दादा दादी ने डिनर भी कर लिया है, सब ने डिनर कर लिया है, सिर्फ मैं रह गया हूँ। चलो अभी दादी के वहाँ चलते हैं, सोने से पहले मिल लेता हूँ उनसे एक बार, दादा से भी। क्या देख रहे हैं आप? लड्डू गोपाल देखो कुरकुरे तो दादी को एक ओ भाई, आप कुरकुरे खाती हैं? आपने बताया कि नहीं मेरे को पहले? मेरी जो दादी है ना, इनको चटपटा खाना बहुत पसंद भाई। मतलब मेरी दादी ऐसी है ना, सारे बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं, दादा भी बोलते हैं, दादी जी जब बाहर निकलती है ना, खाने ही लगे होते हैं, क्योंकि इनको चटपटी चीजें खाने बहुत ज्यादा पसंद है पहले से ही। मेरे को बोलते हैं, मम्मी जी पता क्या बोलती है, बोले तू अपनी दादी का ही पोता, बाहर जाता हूँ ना खाते ही रहता हूँ। मैं आपके थे दो नाना दो मामा, तब थी अब लाडली? दो मामा नहीं, चार मामा, तत्ती ने मामा डाई हूँ लाडली। जो मर्जी दिया के ने उन्होंने मेरे को कुछ भी, चाहे कितना खाना आता है, जैसा कर शरारतन थी मैं नंबर वन। भगवान की पगल सुनो, नंबर वन शरारती थी माँ मेरी ना, डिबूरी जो सीखे रहती हूँ, जब चार ठोकी चटियावा गैसे पाई तो तब तुम सुधरी ना। दादी जी देखो क्या हो रही है। बोला मेरे को नहीं कुछ भी बोलता था, बोला कोई, मैं थी लाडली, मैं करती थी बहुत शरारत, अगर मेरे को चार घसे कोई मारता ना उस टाइम, तब सुधर जाता मैं। सच में खाने को लाना भांति भांति का वो आदत अभी तक मेरे को है, खाने की ना बाजार जाना ना, बस घर जी का ना खाना, जो मर्जी पसंद आए वो खाना। मेरे को बताओ ऐसा ना, पापा जी कैसे थे बचपन में? बचपन में मतलब कैसे थे? शरारती थे, शरीफ थे? गाने बजाने में माहिर थी। अच्छा, तेरा पापा गाने गाते थे? बहुत अच्छा गला है इसका, बहुत गाने बजाने में थी माहिर है, बच्चों को इसकी काम हो गई ना, बजौन सरून को गया ये, तो सारी बजौन वाली औरत ने बोला, वो बोलते थे राजू ने बोला ना, सारी औरत लागे बोलो इसी राजू को देखने ना, ऊपर बोला गाने बजाने में बहुत माहिर थी पहले। एक मेले में गए, एक मेले में गए, बोला पापा जी वहाँ पे उन्होंने गाना गाया और सारी औरतें फ्लैट हो गई। बोला सच में भगवान की कसम। तो गाइस अब मेरी दादी जी यहाँ पे सो रहे हैं और दादाजी एक और गेस्ट है उनके साथ बैठे हैं परे वाले कमरे में, तो हम भी अब सोने चल रहे हैं, मेरे साथ सोएगा ये आज। ठीक है दादाजी, गुड नाइट। ध्यान रखना अपना, सुबह मिलते हैं ना। ओके, नमक से दुर्गा कुरकुरे नमक कम नमक से पागल है, कुरकुरे में कौन खाता है नमक? अरे नमक है कम, इसमें नमक है कम, पागल हो गया है ये, और ये हो गया पागल, नमक खा रहा है ये कुरकुरे के, थोड़ा सा दोबारा ले लो तू। हां नमक है तेरी तरह पागल नहीं है ये। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग देखकर कमेंट करके जरूर बताना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।